हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कुछ चीज़ों से घर पर ही नाइट क्रीम कैसे बना सकते हैं और रोज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो चेहरा है वो एकदम खिल उठेगा। तो गाइस, हम देखते हैं कि तेज़ धूप, प्रदूषण और गलत खान पान की वजह से चेहरे पर दाग धब्बे और पिम्पल आ जाते हैं। इसके अलावा ये चीज़ें स्किन पर भी बीमारी ला देती हैं। तो चेहरे पे कालापन समय और से पहले झुर्रियाँ, दाने निकलने लगते हैं, साथ ही चेहरे की नमी छिन जाती है। स्किन की इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए नाइट क्रीम काफ़ी कारगर साबित होती है। तो नाइट क्रीम का इस कैसे फ़ायदा पहुंचाती है? स्किन एक्सपर्ट कहते हैं कि रात के समय हमारी स्किन सेल्फ हीलिंग का काम करती है। इस दौरान नाइट क्रीम से फ़ायदा और तेज़ी से होता है, लेकिन बाज़ार की नाइट क्रीम केमिकल वाली होती है, इसलिए बेहतर है कि आप नेचुरल चीज़ों से नाइट क्रीम का इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन को भी नेचुरल निखार मिले और साइड इफ़ेक्ट का खतरा ना रहे। तो हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं नाइट क्रीम। तो गाइस, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं ग्लिसरीन। तो गाइस, जो ग्लिसरीन होती है वो फेस के लिए बहुत ही अमेजिंग एक वर्क करती है। तो गाइस, ग्लिसरीन जो होती है वो हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजिंग देती है। इसमें बहुत सारे मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं हमारी स्किन के लिए। ये हमारी स्किन को रूखा होने से बचाती है और हमारी स्किन को हाइड्रेट करके मुलायम रखती है, और ये हमारी स्किन को हाइड्रेशन और नमी रखने में बरकरार रखती है। तो ये स्किन को साफ़ करती है और स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ले रहे हैं ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन की आपको कुछ ड्रॉप्स ले लेनी है। जिस क्वांटिटी में आप इसको बनाना चाहते हैं उस क्वांटिटी में आप इसको ले सकते हैं। तो मैंने 4 से 5 बूंद ग्लिसरीन की ली है और इसको हम इस बाउल में ऐड कर लेते हैं। तो गाइस, ग्लिसरीन जो होती है वो फेस के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। इसके बाद हम ले रहे हैं यहाँ पर गुलाब जल। तो मैंने यहाँ पर लिया है पतंजलि सौंदर्य का एलोवेरा जेल ले रहे हैं। एलोवेरा जेल आप चाहें तो घर का भी ले सकते हैं। तो ये जो एलोवेरा जेल होता है गाइस, ये बहुत ही अच्छा होता है फेस के लिए। ये फेस को खूबसूरत बनाने में हेल्प करता है। इससे आपकी जो फेस की झाइयाँ वगैरह हैं वो ख़त्म होती है, एक नेचुरल ग्लो मिलता है, पिम्पल्स रिंकल्स और को हटाने में ये हेल्प करता है और आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देता है। तो आप चाहे तो घर का एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये लिया है। इसके साथ साथ आपको लेना है विटामिन ई के कैप्सूल, जो मैंने इसमें ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा हल्का है क्योंकि मैंने इसमें विटामिन ई के कैप्सूल ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी क्वांटिटी में एलोवेरा जेल ले रहे हैं। तो गाइस, पतंजलि का जो एलोवेरा जेल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है फेस के लिए। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए 1 चम्मच भर के पूरा एलोवेरा जेल ले लिया है। थोड़ा सा और मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। तो ये एलोवेरा जेल जो है आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा और आपकी स्किन को एक अच्छा ग्लो देगा। उसके बाद हम यहाँ पर ले रहे हैं थोड़ा सा वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो गाइस, जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल होता है वो अलग होता है, लेकिन ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है जो स्किन को निखार लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये भी हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे थोड़ी सी क्वान्टिटी में। तो इसकी कुछ ड्रॉप्स मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। इसको तो गाइस, इस वर्जिन ऑयल को हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये मेरे पास श्री श्री कंपनी का है, इसकी मैं 3 से 4 बूंद इसमें ऐड की है। और ये जो गाइस ऑयल होता है बहुत ही अच्छा होता है, इसको खाने में आप यूज़ कर सकते हैं, चेहरे पर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये वर्क करता है। अब हमें इसमें लास्ट में चाहिए थोड़ा सा गुलाब जल। तो गाइस, गुलाब जल आप सभी जानते हैं बहुत ही बेस्ट होता है। तो मैंने यहाँ पर ये डाबर कंपनी तो गाइज़ यहाँ पर मैंने ये डाबर कंपनी का गुलाब जल लिया है। इसको हमें सिर्फ 1-2 ड्रॉप्स ही डालना है और ज़्यादा नहीं डालना है। तो यहाँ पर हम इसकी कुछ बूंदें इसमें डाल देते हैं क्योंकि हमें नाइट क्रीम बनानी है और इसको कुछ समय के लिए स्टोर करके भी रखना है। और उसके बाद हम इसमें, अगर आपके पास ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये मेरे पास फिगैरो कंपनी का ऑलिव ऑयल है जो ये फेस पर एक नेचुरल ग्लो लाता है। फिगैरो का जो ये ऑयल है गाइज़ बहुत ही अमेजिंग है। इससे आपके फेस पर एक अच्छा ग्लो आता है और आपके फेस पे एक नमी बनी रहती है। अगर ये आपके पास है तो आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है। तो इसकी सिर्फ ज़्यादा नहीं 1-2 ड्रॉप्स आप इसमें डालेंगे और ये आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो बस आप इसमें ये सब चीज़ें डाल के, विटामिन ई कैप्सूल मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, और इसको अच्छे से
तो गाइज इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको जितना अच्छे से मिक्स कर सकते हैं उतना अच्छे से इसको मिक्स कीजिए और जो आपकी जो ये क्रीम है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। इस क्रीम के गाइज बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइजिंग देने के लिए, स्किन पे ग्लो लाने के लिए और फेस को अच्छा बनाने के लिए। अगर आप कोई बहुत ही अच्छी नाइट क्रीम ढूंढ रहे हैं तो इससे अच्छी कोई आपको नाइट क्रीम नहीं मिलेगी। और इसमें जो हमने चीज़ें डाली हैं ये आपको एक नेचुरल ग्लो देंगी और आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगी। तो गाइज़ ये जो क्रीम है इससे बेटर मुझे नहीं लगता कोई क्रीम आपके लिए होगी। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इसको जितना अच्छे से फेटेंगे उतना ही अच्छे से इसके जो हमने सारी इसमें हमने ऑलिव ऑयल डाला है, इसमें हमने कोकोनट का वर्जिन ऑयल भी डाला है और हमने इसमें गुलाब जल भी ऐड किया है और एलोवेरा जेल ऐड किया है जो हमारी स्किन को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको बाहर की जो 500 वाली क्रीम है वो घर पर ही आपको इजीली मेरे ख्याल से 10-20 रुपए में बनकर तैयार हो गई है। ये सामान आपके ऑलरेडी काम आते हैं, जैसे आपकी ये क्रीम ख़त्म हो जाए आप इसको दोबारा भी बना सकते हैं। तो देखिए गाइस इसका कितना प्यारा कलर आया है क्रीम का और ये क्रीम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है आपके रोज़ के लिए। आप चाहे तो इसको डे में भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप इसको अगर रात में यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। रात को सोने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए एंड देन हल्की सी इसको अपने फिंगर पे लेके अपने फेस की मसाज कर लीजिए तो आपको अपने फेस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। इसको अगर आप 2-3 दिन भी यूज़ कर लेते हैं तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आएगा। तो इस तरीके से गाइस आपको इसको यूज़ करना है और ये क्रीम आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। आपको क्या करना है, आपको कोई भी कांच का कंटेनर लेना है या फिर इस तरीके का कोई प्लास्टिक का कंटेनर ले लीजिए और उसमें इसको भर के आप इसको रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। और ये जो क्रीम है आपकी 1 मंथ तक तो चली जाती है क्योंकि हमने इसमें जो ऑयल डाले हैं कैस्टर ऑयल और सॉरी ऑलिव ऑयल और कोकोनट वर्जिन ऑयल वो प्रिजर्वेशन का काम करते हैं, उससे आपकी जो क्रीम है वो ख़राब नहीं होती है और आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी क्रीम बिल्कुल बनकर तैयार है। अब आप इसको ढक के और इसको रख दीजिए तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगी और इसको अपने फेस पे यूज़ कीजिए। तो गाइस आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।